आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। गाजियाबाद के कथक डांसर की शादी की तैयारियां आजकल चर्चा में है। इसके पीछे कारण है कि इस डांसर ने पीएम मोदी की तमाम योजनाओं को अपने शादी के कार्ड पर प्रिंट कराया है। तो वही डांसर का कहना है कि वो पीएम मोदी से काफी प्रभावित है, जिसके चलते उसने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को घर घर पहुँचाने का काम शुरू किया है। तो वही पीएम मोदी को भी शादी में निमंत्रण भेजा गया है। मैंने उनको मिलके ही पहली बात में पहले ही शब्दों में मैंने ये कहा था कि आप तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हैं, नरेंद्र मोदी जिसके नाम से आपको जाना जाता है प्रधानमंत्री, लेकिन आप स्वामी विवेकानंद का रूप हैं। आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के अंदर थी। शादी का न्योता आपने दिया है, वादा किया है पीएम मोदी ने आने का? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं शादी में आऊँगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि उन्होंने हमारे शादी के कार्ड को अपनी साइट पे उन्होंने डाला है, पीएम साइट पे डाला है। ये बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हरदोई की सदर तहसील से सपा प्रत्याशी व राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने बाइक रैली निकालकर अपनी ताकत का एहसास कराया। तो वहीं ये रैली मुख्य मार्गों से होती हुई नगर में घूमी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो पार्टी 4 महीने पहले खाट पर आ जाए वो चुनाव क्या लड़ेगी। इसी के साथ मुलायम को उन्होंने साइकिल की बैक सीट पर बैठा बताया। खाट से जब उतरे कि अब नई सरकार नहीं होने वाली है, खाट से उतरे और साइकिल की बैक सीट पर बैठ गए और उनको यह नहीं मालूम है कि साइकिल पर वो बैठे, उस साइकिल को मुलायम सिंह जी ने पहले ही पंचर कर दिया। सीतापुर में 19 को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। तो वही ईवीएम मशीनों के प्रशिक्षण के बाद इनको रवानगी दी गई। बता दें कि ये 9 विधानसभाओं में 3,167 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हरदोई में तीसरे चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। तो वहीं 8 विधानसभा सीटों पर 19 को चुनाव होना है। तो साथ ही राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। यूपी के दरोगा की दबंगई बिहार में देखने को मिली। यहाँ बिहार के कुचायकोट थाने के बेलथरी गांव में घुसकर दरोगा ने न केवल गुंडाई दिखाई बल्कि सर्विस रिवॉल्वर से लोगों को धमकाया भी। अब थाना प्रभारी का ये कारनामा लोगों की भी चर्चा का विषय बन गया है। कुशीनगर के कप्तानगंज में पुलिस ने मवेशियों से भरे ट्रक को सूचना के आधार पर घेराबंदी कर पकड़ा। तो वही 4 तस्करों के पास से पुलिस ने 21 मवेशी बरामद किए। तो साथ ही असला भी इनके पास से मिला है। शाहजहांपुर कोतवाली क्षेत्र में बीती रात दबंगों ने युवक को गोली मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की है। बदायूं की दातागंज तहसील में जहां कंटेनर के पलटने से बाइक सवार की मौत हो गई, तो वहीं प्रशासन ऐसी घटनाओं को लगातार नजरअंदाज कर रहा है। अब पुलिस ने क्रेन मंगवाकर कंटेनर को हटाया। तो वहीं शव को पोस्टमार्टम को भेजा है। इलाहाबाद के कोराओं में रतियोरा गांव में भाजपा प्रत्याशी राजकमल कोल के समर्थन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार बनाने के बाद किसानों के कर्ज माफी की बात को कहा। तो साथ ही गुंडों को जेल भेजे जाने की बात भी उनके द्वारा कही गई। प्रतापगढ़ के पट्टी में बाईपास तिराए पर वाहन चेकिंग के दौरान उड़न दस्ते ने बुलेरो गार्ड से 1,69,000 रुपए की नकदी को बरामद किया। तो वहीं कागजों के अभाव में नकदी को ट्रेजरी में जमा किया गया। सचल दस्ता के साथ चेकिंग ड्यूटी में लगे थे, हमारे साथ पूरी फोर्स और मजिस्ट्रेट साहब लोग चेकिंग कर रहे थे हम लोग। तो वाहन संख्या 62AL 2377 बलेरो सफ़ेद रंग की थी, उसकी चेकिंग किया गया। तो उस चालक के पास से 1,69,500 रुपया बरामद हुआ। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।